आजकल 500 रुपए में क्या मिलता है? कुछ नहीं। अरे तेरा बजट कितना है? 500 रुपए। तू रुक, आज मैं 500 रुपए में पूरा टेबल भर दूंगा। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा थोड़े होता है, 500 रुपए में टेबल थोड़े भरता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे ना रिसेंटली एक बहुत ही सीक्रेट वेबसाइट के बारे में पता चला। हाँ, जिसका नाम है डीओड। भाई इसमें लिटरली 2 से 3 रुपए का भी चीजें मिल जाता है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तुम लोगों के साथ शेयर करूं। टू बी ऑनेस्ट, कुछ ज्यादा ही सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, सो मेरे को ना ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तुमको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, भाई रिस्क ले रहा है। इस वीडियो में सभी प्रोडक्ट्स का अनबॉक्स करेंगे और कुछ डिटेल्स में भी देखेंगे। उससे पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, 2 मिलियन तक पहुंचना है। चलो अभी ऑर्डर करते हैं। ओके, हाँ ये वाला ठीक है। काफी सस्ते प्रोडक्ट्स है एक्चुअली ना। मैंने टोटल 500 रुपए के अंदर 30 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिया है, और वो भी इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस एंड टैक्सेस। देखते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट्स मिलेंगे भी नहीं पता भी नहीं। One eternity later. So finally प्रोडक्ट्स आ चुके हैं डीओड ऐप से। मेरे को लग नहीं रहा था कि डीओड ऐप में मैं इतने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करूंगा और ये हमारे घर पे आ जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत हो गया था, पता है? याद है ना मैंने 20 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, इनमें से 3 प्रोडक्ट्स मिसिंग थे। हाँ अभी पता नहीं, लेकिन फिर भी 17 प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है ना। सो यहाँ पे जो पहला गैजेट है वो है ये। गैस करो ये क्या है। ये एक मोबाइल होल्डर है। हाँ अभी आप लोग सोचोगे कि कैसे। ये देखो, ये ना ऐसे करके ओपन हो जाता है। सो अगर इसको स्मार्टफोन देना, इसको कैसे लगाना है दिखाता हूँ, रुको। इसको ऐसे उठाना है और ऐसे लगा के, हाँ हो गया। मतलब स्मार्टफोन यूज करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, और अगर आप मूवीज वगैरह देखना चाहते हो तो फिर ऐसे रख के भी आप मूवीज वगैरह एंजॉय कर पाओगे, इतना सिंपल। और ये मेरे को कितना में पड़ा पता है? सिर्फ 3.5 रुपए का। मेरे को पहले लग रहा था कि ये काम नहीं करेगा या फिर पेपर से बना हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वालिटी सही है, अच्छा लगा मुझे। बट इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट गैजेट की ओर। सो अभी कौन सा गैजेट है भाई? हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ लेजर लंच है, फ्लेक्सिबल है, USB लेजर था। अच्छा अच्छा अच्छा। पावर बैंक चाहिए, लाके दो ना कोई। मेरे को लाना पड़ेगा क्या? मेरे को ही जाके लाना पड़ा। ये है हमारे घर का सबसे छोटा सा पावर बैंक, 2600 mAh का। इसको ट्राई करते हैं, इसको लगा के। ओके नाइस। हाँ दिखाई दे रहा है क्या? टेबल में काफी सही लग रहा है, बहुत सुंदर है। मेरे को लग नहीं रहा था कि ये काम करेगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझे मिल रहा था 45 रुपए में। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कार वगैरह है तो फिर आप डायरेक्टली जो पेन ड्राइव वाला सेक्शन है उस पे लगा के कार को डेकोरेट करवाओगे कुछ इस तरीके से, लाइक एकदम जो रोल्स रॉयस जैसा इंटीरियर है वैसा फील देगा, अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट गैजेट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है? गेस करो। पहले तो इसको खोलना पड़ेगा। थैंक्स। So actually क्या है कि मुझे ना छोटा वाला चम्मच से खाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बाद अगर मैं मैगी वगैरह खाता हूँ तो फिर बड़ा वाला मेरे को फॉर्क चाहिए होता है। सो इसीलिए मैंने ये परचेस किया ज्यादा ज्यादा खाने के लिए। मोटा भी हो रहा हूँ और भी ज्यादा मोटा होना है मुझे। बहुत बकवास मजाक था, लेकिन हाँ ये दोनों बहुत ही काम का चीज हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको लाइक गार्डनिंग वगैरह करने में काफी ज्यादा मजा आता है, आई मीन शौक है। छोटा वाला जो टॉप है उसमें वो पौधा उगाने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट हाथ गंदा हो जाता है करने में क्योंकि वो लोग रेगुलर बेसिस पे ये करते नहीं। सो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स है, इससे वो मिट्टिया ऐसे ऐसे करके उखाड़ने के लिए और इससे मिट्टी को ऐसे करके रखने के लिए। सो मैंने इनको पर्सनली ट्राई करके देखा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा मुझे। लाइक हाथ गंदे नहीं होते, कभी कभार होता है ना कि मिट्टिया वो नाखून के अंदर घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है कभी कभार। सो उससे बचने के लिए ये दो प्रोडक्ट्स मेरे को तो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। सो या सही प्रोडक्ट्स है और काफी स्टडी भी, ऐसा नहीं कि वो हल्का फुल्का प्लास्टिक, चीप प्लास्टिक उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे को पड़ा मात्र 28 रुपए का। मतलब कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं पता नहीं भाई। अच्छा भाई अभी क्या है? हाँ ये है लटकाने के लिए शायद। सो हाँ ये एक हेवी वॉल हुक है, पीछे इसका वो ग्लू है जिसको मतलब परमानेंटली कहीं पर लगाना पड़ेगा, उसके बाद चेक करते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना सही है। इसको ऐसे करके, ओके ये तो पहले से काफी ज्यादा अच्छा। अच्छा हाँ हो गया। अच्छा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। क्या रख के देखे अभी, बैग दे किसी का। अच्छा इसका तो है काफी हेवी है। हाँ हाँ हो गया। ये किसका है? अरे बाप रे किसका है ये? अरे शुभजीत बाबू
अरे बाप रे, ये बहुत था, इसका वेट काफी हेवी था। वेट, इसका वेट दिखाता हूं। ये इधर फोकस करना, ठीक है? 5 केजी का है। 5 केजी का सामान ये आराम से ले लिया। बहुत अच्छा लगा, ये देख सकते हो। और ये प्रोडक्ट मेरे को पड़ा मात्र 4.5 रुपए का। बहुत यूजफुल है सीरियसली। अब देखते हैं, हो गया लटकाना झटकाना सब कुछ, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। हाँ, ये बहुत पतला है, बहुत ही चीप है, मतलब पकड़ने से ये मालूम पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिर्फ 4 रुपए में ये मिल रहा है। अभी ये क्या है मैं बता दूं आपको, ये देखने में लग रहा होगा कि इससे नींबू निचोड़ना कुछ नहीं, ऐसा नहीं। इससे हम एग्स का जो योक है उसको अलग कर सकते। अभी ऑफिस में एग दिखाना भी पॉसिबल नहीं, कैसे, मतलब टेक चैनल है। मजाक कर रहा था मैं, एग है मेरे पास, ये देखो, ये देख सकते हो, आज ही मुर्गी ने अंडा दिया। अरे सो इस वीडियो को बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था, इसीलिए किया। लाइक्स चाहिए गाइस, एक अंडे के लिए 1 लाइक। हमारे घर एक्चुअली बर्तन नहीं है, वो एकदम सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं हाथ गंदा नहीं करना चाहता। रियाज बाबू तो से डराओगे, वो पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए अंडा में फोड़ेगा। ये मिशन सक्सेसफुल, योक अलग हो गया, ये ना मतलब ज्यादा फोर्स देके मैंने प्रेशर दे दिया, इसलिए वो टेबल में थोड़ा सा लग गया। अगर फैट फ्री एग खाना चाहते हो तो फिर योकलेस एग। वन इटर्निटी लेटर। क्या कर रहे हो? वो थोड़ा सा अंडा गिर गया था नीचे। अब नेक्स्ट गैजेट। ओके ओके, ये है कान के अंदर जो होता है ना मैल, उसको क्लीन करने के लिए, मतलब होता है ना बहुत देर तक ईयरफोन यूज करने के बाद थोड़ा सा गीला गीला, हाँ, उनको क्लीन करने के लिए अंदर की बात है। सो इन्होंने इसका नाम दिया है फ्लैश लाइट ईयर पिक, और इसमें एलईडी लाइट भी है जिससे कि आसानी से देख के ऐसे करके हम लोग मेल को और इसका प्राइसिंग कितना है पता है? सिर्फ 8 रुपए। हाँ, बाकी देखता है काम करता है या फिर नहीं। ओके, पैकेजिंग तो सही है। ये वाला अलग है, हाँ हाँ हाँ, अलग अलग शेप का, छोटा बड़ा, हाँ छोटा है बड़ा है, ये ऐसे करके लाइट जलता है, हाँ लाइट जलता है। ये अगर स्किन के सामने आता है ना, ये आप देख सकते हो एकदम जिस जगह से आपको मैल को निकालना है वहां से ये मैल को निकालेगा और आपको एकदम अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि क्या है कि नहीं। सही है, इसको ट्राई करके देखे क्या। देखते हैं थोड़ा सा क्लीन क्लीन, कोई तो कर लो भाई। अभिषेक वो कान क्लीन करवाना है क्या? अरे दिखाएगा नहीं ना, थोड़ा सा सिर्फ 20 रुपए लगेगा। अरे किसके तेरे कान में थोड़ा सा, अरे कान क्लीन करने के लिए लग जाएगा। नहीं नहीं, लाइट जलेगा। अरे यदि खाड़ा श्री। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो आदमी है हमारे घर में कितना गंदा है। अरे ब्लर करके क्यों रखा, ब्लर मत कर। अरे अभी नेक्स्ट गैजेट क्या है? हाँ ये सही चीज है। ओके, ये है एक बहुत ही यूजफुल गैजेट जो कि मेरे को पड़ा सिर्फ 40 रुपए का। हाँ, और मैं यूजफुल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आप कोई भी दरवाजे में एक अलार्म सेट कर पाओगे, जिससे कि अगर कोई भी आपके डोर को जब भी ओपन करेगा तभी साथ ही साथ वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पता नहीं कि ये एक्यूरेटली काम करता है या फिर नहीं, टेस्ट करता है। काफी यूजफुल गैजेट है ना, सभी के सभी काम आए लग तो रहा है। हाँ यहाँ से वो बैटरी का वो डिटैच हो रखा है, इसको अटैच करना पड़ेगा। अरे ठीक है, सो ये अगर अलग होता है ना, और अगर लगता है तो फिर बहुत तेज आवाज कर रहा है, ठीक है? पता नहीं आपको कितना सुनाई दे रहा होगा, बट हाँ आप इसको मैनुअली ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हो। अभी ये ऑन है, अगर अभी हो लाइक बार बार आपका दरवाजा खुलेगा बंद होगा उस टाइम पे आप इसको ऑफ करके रख दो। बट अगर आपको ऐसा है कि लाइक अभी कोई अंदर नहीं आना चाहिए या फिर आता भी है तब आपको पता लगना चाहिए साथ ही साथ क्योंकि घर में कुछ है इंपॉर्टेंट, तो फिर आप इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद जैसे ये हाँ डिटैच होगा तो भी ये ऐसा साउंड करेगा। इसको ना इधर लगाते हैं, वेट, हाँ चलेगा। सो इस वाले पार्ट को ना यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट इधर लगा देते हैं। बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा अदरवाइज हमेशा ये आवाज बजता रहेगा, बट बाद में वो बैटरी भी तो खत्म हो जाता है ना, बदलना भी पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है। सो बॉयज, जो भी जब भी इस ग्रीन रूम में प्रवेश करेगा मुझे पता लग जाएगा। पता है कैसे? तुम जाओ जाके देखो, मेरा अभी आंखें बंद है। हे, पता लग गया ग्रीन रूम में कोई है।
हे मेरे को पता था। अरे ये बंद क्यों हो गया, तूने कुछ किया? आवाज कर रहा है। ये अभी नेक्स्ट गैजेट, पिछला वाला गैजेट बहुत सही था, लाइक 40 रुपए में इतना कुछ। अभी नेक्स्ट गैजेट कौन सा है? हाँ ये है, इसको तो आपने सभी ने देखा होगा। स्मार्टफोन गैजेट्स अगर कोई भी रिव्यू करता है तभी ये तो रहेगा। ये है किसी भी फोन को वाटर प्रूफ बनाने का गैजेट। इसको ओपन कैसे करते हैं? शायद हो गया। थैंक गॉड। हम किसी भी फोन को इसके अंदर रख के किसी भी फोन को एक वाटरप्रूफ फोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको डालते हैं। हाँ ये काफी लंबा है। ये हो गया, अभी ये लॉक है। कूल, इसमें अभी हम इस फोन को यूज भी कर सकते हैं शायद। हाँ, बहुत आराम से यूज हो जाता है। हाँ ऐसे करके यूज हो जाता है, सही है। मेरा चैनल ओपन होता है कि नहीं चेक कर लेते एक बार। ओपन हो गया, सब्सक्राइब भी है, आप लोग भी कर लेना। सो एक मग्गा जल आ चुका है हमारे पास, इसको डुबो के देखते हैं। As you can see, अभी ये पूरा पानी में है ऑलमोस्ट। हाँ ओके, इधर से भी करते हैं। पानी गया किधर एक्चुअली? अच्छा इसके अंदर शायद। अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या फिर नहीं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके हाय, दिस इज काश। हाँ सब कुछ तो ठीक है, मतलब बाहर भी सही रहेगा मेरे ख्याल से। एक भी बूंद पानी का कुछ है नहीं इसमें, पूरा का पूरा सूखा फोन है। As you can see, बहुत सही लगा मुझे, लिटरली बहुत सही गैजेट है। Like, मैंने बताया ना कि जितने भी क्रिएटर्स स्मार्टफोन गैजेट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो क्यों इसको भी इंक्लूड करते हैं हर बार, उसका रीजन है ये एक्चुअली किसी भी फोन को वाटरप्रूफ बनाने में सक्षम है। That's why. और ये मेरे को डियो डैप पे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का पड़ा। So, ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़ गए कि लाइक हाँ रेनी सीजन है बट स्मार्टफोन यूज करना ही है, एक्सट्रीम सिचुएशन, तो फिर या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अभी नेक्स्ट गैजेट देखते हैं। हाँ ये है पिरामिड, पैकेजिंग बहुत ही लो क्रेडिट है बट प्राइसिंग भी तो सुन लो, इसका प्राइस कितना है? 1.80 रुपए का ये है, मतलब 2 रुपए भी नहीं इसका प्राइस। लेकिन इसका यूज केसेस बहुत सारे हैं, लाइक आप इसको ऐसे रख के अपने स्मार्टफोन को ऐसे भी रख सकते हो। लाइक ये किस चीज के लिए बना हुआ है मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। पहले तो इसका मेरे को बिल्ड क्वालिटी काफी सही लगा, लेकिन आप देखना कि ये ना पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि हर तरफ से सिमिलर है, लाइक जो एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है। सो ये बेसिकली एक फोन स्टैंड है। हाँ इसको आप अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो, लाइक अगर आपको ऐसे करके रखना है तो फिर ये भी पॉसिबल है, और अगर आपको थोड़ा सा लेट के उसके बाद वो मूवीज वगैरह देखना है तो फिर ऐसे करके भी कर सकते हो। और हाँ 2 रुपए से भी कम प्राइसिंग में ये सब पॉसिबल हो रहा है, और क्या चाहिए। सो या सही प्रोडक्ट है। अभी नेक्स्ट गैजेट, भाई ये भी सिमिलर है शायद। हाँ ये फोन स्टैंड है शायद, मतलब वो वॉल में लटकाने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों है दिखने में? देखो मैं समझाता हूँ, इसको जब भी आप वॉल पे लगाओगे तो फिर अपने फोन को ऐसे करके रखोगे ना इसके अंदर, तो नीचे ना स्पेस बन जाता है कि आप चार्जिंग केबल को ऐसे लगा पाओ। मैं आपको वॉल पे लगा के दिखाता हूँ, रुको। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाना है। हमारे इधर स्पेस थोड़ा सा कम है, दोनों तरफ से उन्होंने ग्लो दे रखा है। As you can see, so इसको अभी पहले उतारते हैं, उसके बाद एक साइड में इसके साथ ऐसे चिपकाना है। को ऐसे लगा देते हैं के सो मैंने ये फोन रख दिया इधर और ऐसे नीचे मैंने लगा दिया, ये चार्ज हो रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी अगर चाबी वगैरह कुछ रखना है तो फिर ऐसे लगा दो, कोई चाबी देना भाई मेरे को, सो ऐसे करके लटका दो बस। अभी और भी गैजेट्स है भाई, एक एक करके। हाँ ये क्या है, क्या है? हाँ ये वो कीबोर्ड का जो डस्ट है उसको क्लीन करने के लिए। हाँ इससे अगर क्लीन करेगा ना मतलब खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सख्त है, बाप रे वो स्मूथनेस है नहीं। 8.5 रुपए का पड़ा मुझे ये, बट ना ज्यादा यूजफुल लगा नहीं मुझे, पर बात। ओके नेक्स्ट गैजेट। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा गैजेट है, 33 रुपए का गैजेट है, बहुत ही यूजफुल। और ये काम क्या करता है बताए, दिखाता हूँ रुको। सो ये आप देख सकते हो ये है एक चिप्स का पैकेट, और ये वाले ब्रांड ने हमें स्पॉन्सर किया नहीं, फ्री का प्रमोशन चल रहा है। सो मान लो कि मैंने एक खाया, सभी को खाना गया, देखो फरे हो गया। अभी हमने ये सोचा कि बाद में खाना है ना, सभी को बाद में खाना, ये तो उसके बाद वो हो जाएगा ना इसका वो जो कुरमुरा वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्रिस्पीनेस। सो अभी इसको इस गैजेट से हम लोग सील कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ना शायद इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। हाँ सो हाँ ये सील कर रहा है,
हाँ, हो गया हो गया हो गया, ये पूरा सील कर लिया। बाद में ना हम इसको किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। 33 rupees का वर्थ प्रोडक्ट है, बट बहुत तेजी से बैटरी ड्रेन करता है और 4 से 5 gadgets अवेलेबल है। हाँ, 5 gadgets। ओके, ये भी सिमिलर है भाई, ये भी मतलब वो मग जैसा है, इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हो वॉल में लगाने के लिए। बस पता नहीं मैंने एक ही टाइप के प्रोडक्ट क्यों दो बार। हाँ, लेकिन इसका ग्लू थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को। हाँ, थोड़ा सा अजीब है, टाइट भी नहीं है। लगाए किधर? साइड में लगा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें मतलब ज्यादा वेट ये कैरी नहीं कर सकता, फोन रख सकता है, मैं थोड़ा ज्यादा दे दे। और ये मेरे को पड़ा सिर्फ 5 rupees का। नेक्स्ट गैजेट है ये। हाँ, ये एक्चुअली जिनको लाइक मेकअप वेकअप का थोड़ा सा शौक है, मैंने मंगवा लिया, मम्मी को चाहिए था। सो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि टैनिंग हो गया आपके फेस में, आपको डिटेन करना है, तो फिर ये एक बहुत ही सही प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे पानी भरना होता है, भरने के बाद डायरेक्ट फ्रीजर में रख दो, उसके बाद ना आप जैसे ऐसे करके इसको ओपन करोगे ना, तो फिर ठीक ऐसे शेप का आपको एक आइस देखने को मिलेगा। सो आप बाद में इसको अपने फेस में लगाओ और डिटेनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मेकअप चैनल खुला लेने की तरह। वैसे ना मैंने सेम प्रोडक्ट दूसरे जितने भी शॉपिंग साइट से वहां पे 100 rupees, 200 rupees में भी देखा, बट ये ना मेरे को डिओडोरेंट पे सिर्फ 16 rupees का पड़ा। बाकी आपकी मर्जी कहाँ से लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ओके ये है। ओके, हाँ, फोन स्टैंड जो कि मेरे को पड़ा 10 rupees का, इसमें आप हाँ फोन रख सकते हो। मटेरियल प्लास्टिक का है, सो हाँ आप इसको एडजस्ट करके भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे को कमजोर लगा, बाकी प्रोडक्ट सही है, 10 rupees ही तो है। उसके बाद ये है और एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट, अगर आप वो पैर का थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो फिर। और ये पूरा किट मुझे 45 rupees का पड़ा। अभी आप लोग सोचोगे कि भाई ये छोटा पैर किस काम का, हो जाता है ना हमारा जो पैर का वो क्रैक स्किन का थोड़ा सा इशू हो जाता है, सो इससे आप घिस के वो फिक्स कर सकते हो, जो कि रिकमेंडेड तो है नहीं, आप ऐसे ही खुद से केयर करो तो फिर वो ठीक हो जाता है, बट थोड़ा बहुत आप इससे मतलब मजे ले सकते हो। और इससे आप अपना जो नाखून है पैर के उनको क्लीन कर सकते हो, और इनसे आप अपनी उंगलियों को अलग अलग करके वो नेल पॉलिश, और हाँ इससे वो नाखून को। वैसे 45 rupees में इतना कुछ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अभी फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ ये है एक्चुअली एक केबल मैनेजर, हाँ शायद 16 rupees का प्रोडक्ट है, पहले ही बता दूं। और हाँ देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। हाँ केबल नहीं है, बट केबल को मैनेज कर लेता है, लाइक एक मेरे को ना वो केबल देना, वो टाइप सी वाला पतला वाला देना। सो ये आप देख सकते हो एक टाइप सी केबल है, इसको बीच में से ऐसे करके इसके अंदर से लगाना है, लगाने के बाद इसको ऐसे लगा दो, उसके बाद इसके इस वाले पार्ट को ऐसे घुमाओ, जैसे कि आप देख सकते हो ये ना थोड़ा सा छोटा हो रहा है आपका केबल, थोड़ा सा मोटा है शायद इसीलिए। हाँ हो गया, ये है आपका चार्जिंग केबल, छोटा हो गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका जो चार्जिंग केबल है वो थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है, लाइक टैंगल हो जाता है, सो आप इसको ऐसे करके समेट सकते हो, समेटने के बाद ऐसे आप इसको बड़ा या फिर छोटा भी कर सकते हो। ये चीज मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा सही लगा, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है इनिशियल केस में, बट धीरे धीरे ये फिक्स हो जाता है। और हाँ उसी के साथ ही साथ ना इसका एक और यूज केस है, इसका को मैं दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आप अपना जो फोन है उसको एज ए स्मार्टफोन स्टैंड भी रख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, चार्ज भी कर सकते हैं आराम से, लाइक इसको ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया, और इस वाले पार्ट को मतलब USB पे लगा के आराम से चार्जिंग कर लिया, बस काम खत्म। 16 rupees का ये वाला प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, लाइक रियली में ये यूजफुल है एक्चुअली। और आप अंदर का तार का हालत देख सकते हो, हाँ कुछ ऐसा हो जाएगा दिन ब दिन, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा नरम तार लेना, ठीक है। सो यही था डिओडेप से बहुत सारे गैजेट्स का रिव्यू, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ मेरे को ना पर्सनली जो गैजेट अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है एक तो वो डोर वाला जो अलार्म बजता है, और वो जो सील करता है वो वाला, हाँ। और जो हैवी हैंगिंग वाला जो है ना वो हुक था, वो भी काफी यूजफुल था, हाँ याद से। और हाँ वाटरप्रूफ बैग वाला भी काफी सही था। बाकी तुमको कौन सा सही लगा वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और हाँ कौन कौन से और शॉपिंग साइट से मुझे चीजों को परचेस करके टेस्ट करना है वो भी मेरे को बता, तो फिर मैं ट्राई करूंगा उनको कवर करने। वैसे जरूर शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। और हाँ अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो भी स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, सो गुड बाय।